नई मुंबई के तलोजा जेल में बड़ी लापरवाही का मामला आरटीआई कार्यकर्ता शकील अहमद शेख ने उजागर किया है। शकील अहमद शेख की माने तो तलोजा जेल में आरोपियों को रखने की क्षमता 2100 है, बावजूद इसके वर्तमान समय में 3000 से अधिक आरोपी तलोजा जेल में बंद है, जिसके कारण उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उम्र दराज कैदियों को वैक्सीन लगवाना चाहिए था, लेकिन 45 वर्ष से अधिक 321 कैदियों में से सिर्फ 44 लोगों को ही वैक्सीन लगवाई अब तक जेल प्रशासन की तरफ से लगवाई गई। 30 अप्रैल 2021 को तलोजा जेल में कार्यरत 110 जेल स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें से 51 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके कारण कैदियों में कोरोना फैलने का भारी खतरा बढ़ गया। इस संबंध में एक शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता शकील अहमद शेख ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे और जेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को ऑनलाइन की। मेरा नाम शकील अहमद शेख है, मैं मुंबई शहर में आरटीआई के माध्यम से बहुत से इसके पहले खुलासे कर चुका हूं। आज का जो खुलासा मैं करने वाला हूं, जो तलोजा जेल के अंदर जो अफरा तफरी मची हुई, जो वहां पे बदहाली है प्रशासन को लेके, जो कैदियों की सुविधाओं को लेके, उस बारे में मैं खुलासा करने वाला हूं। उस बारे में मैंने सीएम को कंप्लेंट किया हुआ है, आईजी को कंप्लेंट किया और बहुत से जो आला अधिकारी उनको कंप्लेंट किया हुआ है, जो वहां के खास करके जो जेलर हैं कौस्तुभ को लेकर उनके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं मैंने विभागीय जांच मांगा, उसके बारे में आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। आपकी जो एनजीओ है, इसके माध्यम से आपने कंप्लेन किया है, आपको क्या रिप्लाई मिला? आपने कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं वहाँ पे, कोरोना का जो है बढ़ता प्रभाव है उस पर कोई उपाय नहीं किया जा रहा है, क्या है जरा सा मुद्दों पर खुल के बताइए। देखिए, आपने जो कहा आरोप नहीं है, सत्यता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में कोरोना महामारी जो है जिस तरह से फैल रही है, उसी तरह से निश्चित तौर पे जेल में ही फैल रही है। लेकिन जो तलोजा जेल के जेलर हैं कौस्तुभ को लेकर, वो जो कहीं ना कहीं आरोपियों के जो टेस्ट है वो टेस्ट कराने में नाकाम रहे हैं। यहाँ तक कि कई आरोपियों का वहाँ से पत्र आया हुआ है, कई आरोपियों ने आरोप लगाया हुआ है कि हमारी पॉजिटिव रिपोर्ट है, हमें बीमारियाँ हैं, लेकिन जो है कोरोना टेस्ट के नाम पे जेलर साहब कोई टेस्ट होने नहीं दे रहे, क्योंकि अगर टेस्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं जो जेलर है उनकी छवि खराब होती है। जैसा कि अभी रिसेंटली ही 30 अप्रैल के दिन एक जो विशाल दसरी नाम का एक अंडर ट्रायल एक्यूज था, उसकी जो है कोरोना पॉजिटिव से जोसफ हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। उसके बाद आप देखेंगे जो एल्गार परिषद के एक एक्यूज्ड है हैनी बाबू, उनके फैमिली काफ़ी दिन से उनकी आँख की तकलीफ थी, उसको लेके उन शिकायत कर रही थी कि हमको तुरंत इलाज होना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, लेकिन जो कौस्तुभ को लेकर उन्होंने उसके ऊपर बात पे गंभीरता को नहीं लिया, जिसकी वजह से लगभग उनकी 40% से ज़्यादा आई साइट जा चुकी है। और इसी तरह का आरोप जो पहले थे एल्गार परिषद में एक दूसरे आरोपी थे डॉक्टर राव, उन्होंने भी किया था और उन्होंने एक पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की थी। वहाँ पे उन्होंने बताया था उस टाइम पे पिटीशन के अंदर कि सिर्फ जेल के अंदर 3 BMS डॉक्टर हैं, जबकि कायदे से देखना चाहिए ऐसी जेलों में MBBS डॉक्टर होना चाहिए और काफ़ी स्टाफ होना चाहिए, और उन्होंने पिटीशन के अंदर बदलाहली बताया था। और वहाँ पे उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि जेल के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप देखेंगे जो मैंने RTI के थ्रू और जो मैंने इनकी वेबसाइट से निकाला है, जो ऑफिशियली कैपेसिटी है 2124 जेल के अंदर कैपेसिटी है, लेकिन एट परसेंट अभी 32 से 51 वहाँ पे आरोपी बंद है, तो 55% से ज़्यादा अगर आप ओवरलोडिंग करेंगे तो निश्चित तौर पे उनकी जो सुविधाएं हैं सबको कम पड़ेगी, खासतौर पानी करके जो जीने की सुविधा है।